हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि UP SSC द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, रेडियो तरंग का वेग प्रकाश की चाल के बराबर होता है, अर्थात रेडियो तरंग का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होते हैं? दोस्तों, रेडियो तरंगों में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए, ये चार्ट यहाँ पे पूरा दिया गया है। FM प्रसारण बैंड के बीच होता है, तो सही जवाब हो जाएगा VHF रेंज के बीच होता है FM प्रसारण। दोस्तों, FM प्रसारण बैंड VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के बीच होता है। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास 88 से 108 मेगा हर्ट्ज के मध्य होता है। FM बैंड के लिए यह परास मानक रूप में प्रयोग किया जाता है। HF हाई फ्रिक्वेंसी का परास 3 से 30 मेगा हर्ट्ज के बीच होता है। VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी का परास 30 से 300 मेगा हर्ट्ज के बीच होता है। UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का परास 300 से 3000 मेगा हर्ट्ज के बीच होता है। FM का प्रसारण 88 से 110 मेगा हर्ट्ज के बीच होता है, इसलिए यह VHF रेंज में आता है। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है या क्या होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तरंग दैर्घ्य। किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। किसी स्थिर गति से दौड़ रही, दोस्तों स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यात्री के हाथों में वह गेंद गिरेगी। दोस्तों, जब स्थिर गति से दौड़ रही रेलगाड़ी में बैठा यात्री गेंद को ऊपर की दिशा में फेंकता है तो उस गेंद का क्षैतिज वेग उस ट्रेन की गति के बराबर होगा, जिसके कारण वह गेंद वापस यात्री के हाथ में गिरेगी। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, अर्थात बाह्य बल लगाकर ही वस्तु के वर्तमान अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। गैलीलियो के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की तरफ झुकना न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व का उदाहरण है। यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में बल कम लगेगा जबकि उसे उठाने में अधिक बल लगेगा। कार्य बराबर बल गुणे दूरी से, अतः पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होगा। जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संघनन। दोस्तों, बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होता है जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जल वाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? प्रज्वलन तापमान। किसी पदार्थ का वह निम्नतम ताप जिस पर वह जलने लगता है प्रज्वलन ताप कहलाता है। फारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होगा? 212 फारेनहाइट। दोस्तों, फारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक 212 फारेनहाइट तथा हिमांक 32 फारेनहाइट होता है। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट पैमाना समान होता है
तो सही जगह भाई ऑप्शन सी -40°C। -40°C एक ऐसा ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फारेनहाइट में समान होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक, दोस्तों हिमांक घटता है, बर्फ के साथ नमक मिलाने से हिमांक घटता है, अतः बर्फ को पिघलने में लंबा समय लगता है। दो कांच के गिलास एक दूसरे से, एक के अंदर दूसरा, चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। दो कांच के गिलासों एक के अंदर दूसरा के परस्पर चिपक जाने पर बाहरी गिलास को गर्म पानी में डुबो देने से इसमें ऊष्मीय प्रसार होगा, जिससे बाहरी गिलास की वक्रीय पृष्ठ के क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार अंदर वाला गिलास सरलता से बाहर निकाला जा सकेगा। ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा। दोस्तों ठोस पदार्थों का निश्चित आकार और निश्चित मात्रा होती है। किस तापमान पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4°C। दोस्तों अधिकांश ध्रुवों के बीच पानी का व्यवहार, अधिकांश ध्रुवों के विपरीत पानी का व्यवहार 0°C से 4°C तक के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि पानी को गर्म किया जाए तो 0°C से 4°C तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। 4°C से आगे गर्म करने पर पानी का व्यवहार सामान्य ध्रुवों की भांति होता है, अतः 4°C तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4°C। दोस्तों शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व 4°C पर होता है। USGS के अनुसार जल घनत्व तो इस प्रकार है, जब जल जमता है इसका घनत्व घटता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। दोस्तों 4°C पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व तो अधिकतम होता है। जैसे जैसे तापमान 0°C से नीचे की ओर आता है जल का घनत्व भी घटने लगता है, अतः स्पष्ट है कि जब जल जमता है 0°C पर तो इसका घनत्व घटता है। दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।